हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स मेक। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ऑरेंज केक। तो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं जितने भी वीडियोस डालूं आप तक इजीली पहुंच सके। तो सबसे पहले मैंने आधा कप दही ले लिया है। अब मैं इसमें आधा कप शक्कर डाल रही हूँ, आप चाहें तो पिसी हुई शक्कर भी ले सकते हैं। अब मैं दही और शक्कर को अच्छे से मिला लूंगी, जब तक कि शक्कर अच्छे से घुल ना जाए। ये देखिए, शक्कर अब घुल चुकी है। तो अब मैं इसमें एक टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और आधी टेबलस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। अब मैं सभी चीज़ों को मिला रही हूँ। अब मैं इसका ढक्कन लगा के इसको 5 मिनट के साइड में रख दे रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने केक मोल्ड ले लिया है और मैंने इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून मैदा डाल रही हूँ। मैदे को अच्छे से फैला लीजिए, एक्स्ट्रा मैदा को हटा दीजिए और ये देखिए केक मोल्ड बिल्कुल रेडी है। अब मैं कुकर को प्रीहीट करने के लिए रख दे रही हूँ। मैंने कुकर को एकदम लो फ्लेम पे चालू कर दिया है। अब ये देखिए, कुकर के बीचों बीच में ये ढक्कन लगा रही हूँ। अब मैंने कुकर की सीटी को निकाल दिया है। अब मैं कुकर को बंद कर दे रही हूँ और इसको प्रीहीट करने के लिए रख दे रही हूँ। तो ये देखिए, बैटर अब थोड़ा सा फूल चुका है। तो अब मैं इसमें 1/3 कप ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऑरेंज एसेंस डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1 कप मैदा डाल रही हूँ। मैदे को अच्छे से छान लीजिए। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। 1 टेबलस्पून इसमें पानी डालिए और मैं इसमें 1 टेबलस्पून फूड कलर डाल रही हूँ। अगर आपको फूड कलर नहीं डालना तो आप मत डालिए, ये ऑप्शनल है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए और ये देखिए, बैटर अब बिल्कुल रेडी है। अब बैटर को मोल्ड में डाल दीजिए और अब अच्छे से मोल्ड को टैप कर लीजिए। तो अब मैं मोल्ड को एकदम कुकर के बीचों बीच रख दे रही हूँ, जहाँ पे मैंने ढक्कन रखा हुआ था। अब मैं कुकर को बंद कर दे रही हूँ और अब मैं केक को 35 मिनट के लिए बेक होने दूंगी। 35 मिनट हो गए हैं, तो केक को टूथपिक की हेल्प से चेक कीजिए और ये देखिए, केक अब बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं केक को नाइफ की हेल्प से डीमोल्ड कर ले रही हूँ। इसमें अब जो थोड़ा बहुत मैदा लगा हुआ है, वो मैं नाइफ की हेल्प से साफ कर दे रही हूँ। अब मैं इसको 1 दिन के लिए रख दे रही हूँ फ्रिज में। मैं बाउल में 2 कप व्हिप्ड क्रीम ले रही हूँ। आप चाहें तो इससे भी व्हिप्ड क्रीम को व्हिप्ड कर सकते हैं, पर मैं मशीन ब्लेंडर से व्हिप्ड कर रही हूँ। इसमें मैं 1 टेबलस्पून ऑरेंज एसेंस डाल रही हूँ। व्हिप्ड क्रीम को अच्छे से व्हिप्ड कर लीजिए, जब तक कि इसमें हार्ड पीक्स ना आ जाए। और ये देखिए, व्हिप्ड क्रीम अब बिल्कुल रेडी है, इसमें हार्ड पीक्स आने लगे हैं। ये देखिए, केक भी अब अच्छे से ठंडा हो चुका है। ये देखिए, अब मैंने ये बड़ा सा बाउल ले लिया है, ऊपर से ये बाउल एकदम फ्लैट है। अब मैंने ये प्लेट ले ली है और ये देखिए, कितने आराम से ये घूम रहा है। अब मैं केक की कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले ऊपर की लेयर एकदम पतली पतली काटिए। सबसे पहले नाइफ से साइड साइड का काटिए, फिर इसका बीच में कट लगाइए। ऐसे कट करने से आपका केक इजीली कट होगा। अब नीचे की लेयर काटिए। ऊपर और नीचे की लेयर काटने से शुगर सिरप इसमें इजीली एब्जॉर्ब होगा और आपका केक सॉफ्ट बनेगा। तो अब मैं इसमें मार्क लगा रही हूँ कट करके। ये देखिए, मैंने इसमें 2 मार्क लगाए हैं। अब मैं फर्स्ट लेयर कट करूंगी। सबसे पहले साइड साइड का कट कीजिए, फिर उसके बाद बीच में कट लगाइएगा। इससे आपको बहुत इजीली परफेक्ट कट मिलेगा और ये देखिए, कितना परफेक्टली ये कट हो जाता है। अब मैं ऐसे ही सेकेंड लेयर भी काट लूंगी और ये देखिए, सारी लेयर अब अच्छे से कट चुकी हैं। तो अब मैं फर्स्ट लेयर रख रही हूँ, जो एकदम फ्लैट है वो मैं सबसे नीचे रख रही हूँ। अब ये देखिए, इसके ऊपर मैं ये ऑरेंज जूस डाल रही हूँ। ऑरेंज जूस में मैंने 2 टेबलस्पून शक्कर मिलाया था, साइड साइड में ज़्यादा डालिएगा। अब मैं इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम लगा रही हूँ। अच्छे से नाइफ को साफ कीजिए, फिर इसके बाद इसको अच्छे से फ्लैट कीजिएगा। अब मैं इसके ऊपर ऑरेंज पल्प डाल रही हूँ। ये देखिए, पल्प बनाने के लिए ऑरेंज को पहले मैंने बीज से कट किया है। अब इसके अंदर जितने भी बीज हैं मैंने सारे निकाल लिए हैं। अब मैं ऑरेंज के सारे पल्प निकाल लूँगी। आप चाहे तो इसकी जगह ऑरेंज क्रश भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ऑरेंज पल्प को एकदम बीचों बीच रख दूंगी। साइड साइड में रखने से ये बाहर निकल जाएगा और आपको आइसिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ये देखिए, सेकेंड लेयर मैंने बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट फर्स्ट लेयर के ऊपर रखी है। अब मैं वही प्रोसेस सेकेंड लेयर में भी अप्लाई करूँगी और अब मैं 3rd लेयर में भी अच्छे से ऑरेंज जूस डाल रही हूँ। अब केक को सबसे पहले अच्छे से क्रीम से कवर कर लीजिए। मैंने बहुत सारे केक के वीडियोस बनाए अपने चैनल में, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए, केक अब अच्छे से क्रीम से कवर हो चुका है। तब मैंने नाइफ अच्छे से साफ कर ली है। अब मैं इस पर फिर से क्रीम लगाऊंगी। अगर आप बार बार नाइफ को धोते रहेंगे तो अच्छी फिनिशिंग आएगी। और ये देखिए, जिस तरह मैं कर रही हूँ उसी तरह आपको करना है।
मैंने बिना मशीन ब्लेंडर के भी व्हिप्ड क्रीम को कैसे व्हिप्ड करें वो वीडियो भी बना रखी है, आप चाहे तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। और ये देखिए आइसिंग अब अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देखिए प्लेट में मैंने थोड़ी सी क्रीम लगा ली है, क्रीम के कारण केक स्लिप नहीं होता है। अब आप अच्छे से नाइफ को साफ कर लीजिए। अब किसी की हेल्प से प्लेट को अच्छे से पकड़वा लीजिए। अब नाइफ की हेल्प से केक को उठाइए और दूसरी प्लेट में रख दीजिए। अब मैं थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम दूसरे बाउल में ले रही हूँ और अब मैं इसमें ऑरेंज कलर ऐड कर रही हूँ। ऑरेंज कलर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब जो बची हुई क्रीम है उसमें मैं येलो कलर ऐड कर रही हूँ। और अब ये देखिए स्टार नोजल का मैं यूज़ कर रही हूँ। अब मैं येलो कलर को पाइपिंग बैग में डाल दे रही हूँ। अब मैं बची हुई क्रीम में डीप पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ। येलो कलर में जो मैंने नोजल यूज़ किया था उसी का बड़ा वाला मैं डार्क ऑरेंज में यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए लाइट ऑरेंज कलर में मैं ये वाला नोजल यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए अब मैं डिज़ाइंस बना रही हूँ। ये देखिए मैंने अभी ये ऑरेंज कट करके रखा है। पहले मैंने ऑरेंज की पतली पतली स्लाइस काटी, फिर उसके बाद मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। और ये देखिए ऐसे करके आपके इसका छिलका काटना है। और ये देखिए इसमें मैं ये ऑरेंज के स्लाइस लगा रही हूँ। और ये देखिए अब मैं इसमें ऐसा डिज़ाइन बना रही हूँ। आप जैसा चाहें वैसा इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। अब ये देखिए मेरे पास ये सिल्वर स्प्रिंकलर्स हैं। अब मैं केक के ऊपर ये डाल रही हूँ और ये देखिए केक अब बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ डालती रहती हूँ। और आपको किसी भी केक की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।